नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव कुमार, शिशु रोग विशेषज्ञ, विभागाध्यक्ष, केजरीवाल मातृ सदन मुजफ्फरपुर बिहार। आज मैं आप लोगों के बीच, अभी बरसात का मौसम आने वाला है, मानसून शुरू हो गया है, बरसात में बच्चों को खासकर बहुत सारी बीमारियां होती है, उन बीमारियों पर मैं आज आप लोगों के सामने जिक्र करूँगा। बरसात में बहुत सारी बीमारियों में सबसे पहले बीमारी देखिए, सर्दी खांसी निमोनिया, सर्दी खांसी निमोनिया बुखार, वायरल डिजीज। दूसरा क्या है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, पेट की गड़बड़ी। बरसात में खासकर बच्चे शुद्ध पानी नहीं पी पाते हैं उसके कारण। तीसरा है जो बरसात में भी बहुत कॉमन है, वो है स्किन डिजीज, चर्म रोग, चमड़ों में की बीमारी। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैंने कहा कि सबसे पहले तो सर्दी खांसी जो होता है उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि बच्चे बारिश का मौसम है, बच्चे बाहर खेल रहे हैं, बारिश हो गई तो खूब खेलते हैं बारिश में, खूब झूमते हैं, खूब नाचते हैं, उस समय तो बहुत अच्छा लगता है। और बारिश में नहाने के बाद बिना बदन को धोए पोछे फिर से कपड़ा पहन लेते हैं, जिसके कारण गर्म और सर्द दोनों के रिएक्शन से बच्चे को सर्दी खांसी होती है। और बरसात में बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन बढ़ भी जाता है, प्रकोप बढ़ भी जाता है इस सब चीज़ों का, क्योंकि आर्द्रता ज़्यादा रहती है और उसके कारण जो बैक्टीरिया है, वायरस है, इसका ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये सब बीमारियाँ उस मौसम में होती हैं। तो बच्चों को पहले तो पानी में, जब बरसात हो तो पानी से बचना चाहिए, नाला भरा हुआ होता है उसमें गिरने का भी डर रहता है, एक्सीडेंट का भी डर रहता है। खासकर हम लोगों के शहर मुजफ्फरपुर में जहाँ देख रहे हैं कि थोड़ी सी पानी में पूरा शहर ही डूबने लगता है, तो ऐसे शहरों में और बड़े शहरों में भी पानी के मौसम में बच्चों को बाहर ज़्यादा न निकालें। कपड़ा जब भी बारिश में भीग जाए तो उसको पूरी तरह कपड़ा से बदन को पोंछ दें, सुखा दें। उसके बाद मैं तो कहता हूँ कि एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, जो भी एंटीफंगल पाउडर है वो उसको लगा देना चाहिए शरीर पर। उसके बाद कपड़ा पहनाना चाहिए सूखा हुआ, और कॉटन कपड़ा का ज़्यादा उपयोग करना चाहिए बच्चों को। और दूसरी बात, मैंने कहा कि खाने पीने में गड़बड़ी से डायरिया, डिसेंट्री, खासकर बरसात में क्या होता है, गंदगी ज़्यादा रहती है, और गंदगी सबसे बड़ा वाहक है बीमारियों का। कादो है, पानी जमा हुआ है वहाँ पर, मक्खी मच्छर सबका प्रजनन बढ़ जाता है, और इसके प्रकोप से मलेरिया फीवर, डेंगू फीवर, साथ ही साथ गैस्ट्रोएंटेराइटिस, मक्खी के आपके खाने पर बैठने से, आपके नाश्ते पर बैठने से, आपके पानी के पीने के को अशुद्ध करने में इन लोगों का हाथ होता है, इन सब चीज़ों का। इसलिए पानी हमेशा उबाल के छान के पीना चाहिए, और कहीं पर भी पानी जमा हुआ हो, स्वच्छ पानी जमा हुआ हो या पोखड़ का पानी टाइप का गंदा पानी जमा हो, हर पानी खतरनाक है, क्योंकि आप जानते हैं डेंगू स्वच्छ पानी में ही पैदा लेता है, और मलेरिया के जो पैरासाइट्स मच्छर हैं, मच्छर के अंदर उसका प्रजनन गंदे पानी में होता है, ठहरे हुए पानी में होता है। तो पानी का जमाव हो, उस पर ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव खुद से भी कर सकते हैं, सरकार अगर नहीं करती है या नहीं हो पा रहा है तो खुद से भी छिड़काव करके ब्लीचिंग पाउडर का हम लोग इससे मुक्त हो सकते हैं। बहुत सारे चीज़ आते हैं जो हम लोग पानी में छिड़क दें तो इससे मक्खी मच्छर का प्रजनन कम जाता है, ये ध्यान देना चाहिए। और तीसरी बात कि स्किन डिजीज़ बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि मॉइस्चर रहने के कारण फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो बच्चों को हमेशा बरसात में कीटनाशक साबुन से नहाना चाहिए, सप्ताह में 2-3 दिन तो ज़रूर ही साबुन कीटनाशक लगना चाहिए, और स्नान प्रतिदिन करा के स्वच्छ कपड़ा पहनाना चाहिए, जिससे उनको ये स्किन की बीमारियाँ न हो। और स्किन की बीमारी होने से वो एक दूसरे से पटता भी है, इसलिए इस पर ध्यान देना चाहिए बच्चों को। कि मान लीजिए किसी बच्चे को स्कूल में ही इन्फेक्टेड बच्चा आ रहा है तो स्कूल प्रशासन को उस बच्चे को एंट्री नहीं देना चाहिए, और बच्चों को बताना चाहिए कि तुमको ये बीमारी है इसलिए हम नहीं आना है, नहीं तो इससे पटता है और बहुत सारे बच्चों में फैलता है बीमारी, कंटामिनेटेड डिजीज़ है।
तो इस पर ध्यान दीजिए और इस बीमारी से हम लोग ऐसे बच सकते हैं। धन्यवाद।